बहुत बार अलग अलग तरीके से आप वीडियोस देखते होंगे जिसमें मैट्रिक्स के अलग अलग सेलिब्रेशंस की अलग अलग रिजल्ट्स की हम लोग बात करते हैं, पर आज का ये वीडियो अपने आप में इसलिए अद्भुत है कि शायद शेखावाटी के इतिहास में ऐसी अभूतपूर्व घटना कभी नहीं हुई। हमको भी कभी नहीं लगा था कि शायद इतने सिलेक्शन एक साथ हो सकते हैं, पर यह सच हुआ है। और आज आप देखेंगे कि केवल सर पर साफे पहने हुए बहुत सारे बच्चे और बच्चियां बैठे हुए हैं। ये सारे के सारे वो लोग हैं जो देश के भविष्य के बड़े इंजीनियर बनकर के देश के निर्माण का जिम्मा उठाएंगे। और आज मैं एक रिजल्ट आपको यहां बताना चाह रहा हूं, मैट्रिक से, अकेले मैट्रिक से, और इस जो आपका सेशन टू है, सेशन फर्स्ट और सेशन टू दोनों मिलाकर के फाइनल रिजल्ट आ गया है। जेई मेन में 219 बच्चों का सिलेक्शन उनका हुआ है जिनके 99% से ऊपर हैं। सुनने में अजीब लगता है क्योंकि हमारे समय तो 99% या परसेंटेज बहुत सपना हुआ करता था, पर आप सोचिए कि 219 बच्चे कल थे, अभी एक बच्चा और थोड़ी देर पहले आया, उसका रिजल्ट हमने निकाला तो यह आंकड़ा 220 हो गया है। 220 बच्चे ऐसे हैं जिनके 99% से ऊपर हैं अकेले मैट्रिक से। उससे पहले तो ऐसा होता था कि काश 99% से ऊपर वाले बच्चों का शतक लग जाए, पर इस बार ये शतक नहीं, इस बार दोहरे शतक में कन्वर्ट हुआ है। और ये जो सारे बच्चे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वही बच्चे हैं जिन बच्चों ने इसको संभव करके दिखाया है। बहुत सारे बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं। मैंने केवल आंकड़ा आपको केवल एक 99% से ऊपर का दिया है, केवल 99% बोल रहा हूं मैं, 220 बच्चे। उसके नीचे का आंकड़ा यदि आप देखने जाएंगे, 98 पे आए, 97 पे आए, 96 तक पहुंचेंगे, तो ये आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब आप इस आंकड़े को यूं समझ सकते हैं कि यदि इस बार का फाइनल जब रिजल्ट आएगा, कितने बच्चे यहां से जाने हैं, तो कई बार हम लोग बोलते थे कि ट्रक भर करके हम बच्चे आईआईटीज, एनआईटीज में और ट्रिपल आईटीज में भेजते हैं, पर इस बार मुझे लगता है कि शायद ट्रक से काम नहीं चलेगा, रेलगाड़ी चाहिएगी, ट्रेन चाहिएगी, क्योंकि लगभग 1000 बच्चे सीकर के मैट्रिक से देश की आईआईटीज, एनआईटीज और ट्रिपल आईटीज में जाने वाले हैं। ये सारे बच्चे यहां पर बैठे हुए हैं और आज हम सब लोग इसलिए भी गौरवान्वित अनुभव करते हैं कि बच्चे अपनी मेहनत करते हैं, उनकी अपनी मेहनत होती है, मैट्रिक्स का हमारी फैकल्टी टीम का मार्गदर्शन होता है, साथ में मिलकर के। ये लड़ाई ऐसी है जो साझी लड़ाई है, अकेले कोई लड़ नहीं सकता इसको। इस साझी लड़ाई में हमारे जो पार्टनर्स हैं वो हमारे सामने बैठे हुए हैं और मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियों के साथ में सब आपस में अभिनंदन करेंगे। और हमारे लिए खुशी इसलिए ज्यादा होती है कि ये जितने बच्चे बैठे हैं, आप याद करिएगा पूरी जिंदगी में केवल दो लोग ऐसे होंगे जो आपकी सक्सेस पर, केवल दो लोग जो आपकी सक्सेस पर आपसे भी ज्यादा खुश होंगे, एक आपके पेरेंट्स जिन्होंने आपको जन्म दिया है और दूसरे आपके टीचर्स। बाकी हो सकता है कि सामने से दिखाएं कि खुश हैं, पर शायद आंतरिक खुशी जो है वो आपके पेरेंट्स और आपके टीचर से ज्यादा किसी को नहीं होती है। हमारे लिए बिल्कुल गर्व का विषय है। ये सारे हमारे टॉपर बच्चे बैठे हुए हैं। हमारा जो सबसे टॉपर बच्चा है दीपक, दीपक और मैं तो विदेश यात्रा के साथी भी रहे, हम सिंगापुर रहे 7-8 दिन साथ में, तो बड़ा मजा आया इसके साथ में घूमते हुए वहां पर, इसलिए सबको ये बच्चा देखो, मैट्रिक्स ओलंपियाड हमारा एक एग्जाम होता है और हर बार हमने नोटिस करा कि मैट्रिक्स ओलंपियाड के जो विनर्स होते हैं, मैं मयंक सोनी पिछली बार जिसके 100% थे जेई मेन में, जिसने पूरे देश में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया था, वो भी मैट्रिक्स ओलंपियाड का टॉपर था, दीपक भी मैट्रिक्स ओलंपियाड का टॉपर था। तो मैट्रिक्स ओलंपियाड के टॉपर्स बच्चे विदेश में हमारे साथ घूमने फिरने भी जाते हैं, वहां के एजुकेशन सिस्टम को भी देखते हैं। हालांकि बहुत शर्मीला है, बोलता बहुत कम है, पर वो जो कहते हैं कि आपकी सफलता जो है इतनी खामोशी से करो कि आपकी सफलता शोर मचाए, तो दीपक ने बहुत जबरदस्त सफलता पाई है। सारे के सारे टॉपर्स बच्चे हमारे साथ में बैठे हुए हैं और हम सब तैयार हैं कि इस बड़े कार्य को लेकर के वहां जाया जाए और एक बड़ा सेलिब्रेशन यहां से किया जाए। तो मैं पूरी शेखावाटी को बधाई देता हूं, शेखावाटी के लोगों को यह भी विनम्रता से कहना चाहता हूं, पूरी विनम्रता के साथ में, हमें इस बात का गर्व तो है लेकिन अभिमान नहीं है। हम ये चाहते हैं कि पिछले बार ये आंकड़ा 137 था, इस बार 220 तक पहुंचा है, अगली बार ये आंकड़ा और बढ़े। पूरी विनम्रता के साथ में इस पूरे परिणाम को हम शेखावाटी को सुपुर्द करते हैं और आप लोगों ने इतना विश्वास जताया इसलिए शायद ये कारवां इतना बड़ा बनता जा रहा है। और आप सब लोगों को फिर से बधाई देते हुए अब हम लोग बढ़ने वाले हैं हमारे सेलिब्रेशन की ओर।